नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार का दौर थम गया, लेकिन असली प्रचार की शुरुआत अब हुई है। ऐसे में प्रचार प्रसार थमने से एक दिन पहले भवानीपुर में मुख्यमंत्री की सभा के बाद कैसा माहौल दिखाई दे रहा है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है कि मैंने इस लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कई छिपी और दबी हुई खबरें आप तक पहुंचाया है, लेकिन इस चुनाव के मद्देनज़र मेरा ये आखिरी वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज आप समझ जाएंगे कि पूर्णिया के अगले सांसद कौन होने वाले हैं। 26 अप्रैल को जब मतदान शुरू होगा और उस मतदान केंद्र पर पूर्णिया की जनता किसे अपना सांसद बनाने वाली है, आप भली भांति समझ जाएंगे इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में सभी दल के नेता आते हैं और फिर गांव-गांव जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगते हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भवानीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनावी मंच से जनता को पहले अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को बताया और फिर पूर्णिया में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो जो विकास के काम किए गए हैं वो सब कुछ भी उन्होंने भवानीपुर के मंच से जनता को याद कराया। उस मंच से जिस तरीके से और जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने अपने जनता को संबोधित किया, वो कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव परिणाम को भी दोहरा सकती है, क्योंकि रुपोली विधानसभा की जनता हमेशा नीतीश कुमार के कहे बातों को ही माना है। नीतीश कुमार ने जिस प्रत्याशी को जिताने का अपील किया, रुपोली की जनता ने उसी प्रत्याशी को विधायक और सांसद चुन लिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि 1998 ईस्वी के चुनाव में जब नीतीश कुमार ने जयकृष्ण मंडल को चुनकर भाजपा के टिकट पर एनडीए का प्रत्याशी बनाया था, तो उस चुनाव में भी 1996 के सांसद पप्पू यादव को हरा दिया था। वे रुपोली की जनता उनके हर बात को ऐसे मानती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन्हें अपना समर्थन दे दें, रुपोली की पूरी जनता उन्हीं को विधायक और सांसद चुन लेती है। इसका बड़ा बड़ा उदाहरण भी है कि जिस बीमा भारती के पति अवधेश मंडल के गिरोह ने कुर्मी बाहुल्य खरकट्टा गांव को लूट लिया था और वहां की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया था, उसी बीमा भारती को कुर्मी समाज वोट देते रहे। नीतीश कुमार के सम्मान में उस अपमान को भी वे भुला दिया जो उनकी आंखों के सामने घटी थी। ऐसे दर्जनों घटना बीमा भारती के पति ने किया, उन सभी अपमानों को भी सभी जाति बिरादरी के लोग भुला दिए। और देखिए कि रुपोली की जनता नीतीश कुमार के बनाए प्रत्याशी बीमा भारती को बार बार विधायक चुनती रही। ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री की सभा समाप्ति के बाद ठीक उसी तरीके का माहौल दिखने लगा है जिस तरीके का माहौल विधानसभा के चुनाव में देखा जाता है, कि जब तक नीतीश कुमार नहीं आते हैं तब तक शंकर सिंह जीते हुए रहते हैं, और जैसे ही नीतीश कुमार रुपोली विधानसभा के या फिर पूर्णिया जिला के किसी भी चुनावी मंच से बीमा भारती को जिताने का अपील कर देते हैं, तो वैसे ही रुपोली की जनता शंकर सिंह जैसे शालीन व्यक्तित्व और मददगार प्रत्याशी को छोड़कर 54 मुकदमे के आरोपी अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती को विधायक चुनती रही। ठीक उसी तरीके का माहौल नीतीश कुमार के सभा समाप्त होने के बाद देखने के लिए मिलने लगा है। उनके जाने के बाद ऐसा देखा जाने लगा कि जो जनता संतोष कुशवाहा के खिलाफ बोला करती थी, जो व्यक्ति संतोष कुशवाहा के बदले पप्पू यादव या बीमा भारती को अपनाने की बात या फिर नोटा बटन दबाने की बात किया करते थे, वही जनता आज इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि एक बार फिर संतोष कुशवाहा को ही वोट दे दिया जाए। क्या करेंगे हम लोग, हर सांसद और विधायक तो खुद अपने विकास में ही लगे रहते हैं, हम लोगों का विकास तो वास्तव में नीतीश कुमार या मोदी जी ही करते हैं। जनता इस बात की भी चर्चा करने लगे हैं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही हम लोग शांति भी हासिल किए हैं, अवधेश मंडल जैसे दुर्दांत आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को भी नीतीश कुमार ने ही समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया और बहुत हद तक रुपोली में अपराध समाप्त भी हो गया। जिस तरीके का अपराध पहले हुआ करता था उस तरीके का अपराध अब नहीं होता है। यह सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही देन है, न कि किसी सांसद या विधायक ने पूर्णिया के अशांति को समाप्त किया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के ही कहने पर ही चलो एक बार फिर से संतोष कुशवाहा को ही चुन लेते हैं, ऐसी चर्चा आज हो रही है।
और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो फिर मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस पूर्णिया की जनता ने आज तक किसी भी सांसद को हैट्रिक मारने नहीं दिया है, वैसे में क्या इस बार पूर्णिया की जनता सांसद संतोष कुशवाहा को हैट्रिक का ताज पहना देगी? और ऐसा सवाल इसलिए है क्योंकि 1952 के बाद लोकसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं उन सारे चुनाव में रुपौली की जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। जब आप उन चुनावों के वोट के आंकड़े को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सबसे ज़्यादा वोट अगर जीतने वाले किसी प्रत्याशी को किसी विधानसभा ने दिया है तो वो है रुपौली विधानसभा, चाहे वो 1952 का चुनाव हो या फिर 1991 का चुनाव हो या फिर 2004 या 2014 का चुनाव हो। हर चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को रुपौली की जनता सबसे ज़्यादा वोट देती है, यानी रुपौली विधानसभा जिस भी प्रत्याशी को वोट देता है वही प्रत्याशी पूर्णिया के सांसद का ताज पहन लेता है। हालांकि चुनाव के ही आंकड़े को जब आप देखेंगे तो 1991, 1996 और 1999 ईस्वी के चुनाव में रुपौली की जनता ने पप्पू यादव को सभी विधानसभाओं में से सबसे ज़्यादा वोट दिया था। वहीं 1998 के चुनाव में भी रुपौली की जनता ने सबसे ज़्यादा मत जयकृष्ण मंडल को दिया, तो जयकृष्ण मंडल भी उस चुनाव में जीत हासिल कर लिए थे। उसके बाद 2004 में ही देख लीजिए आप कि जिस पप्पू यादव को सबसे ज़्यादा वोट देकर जिताया था उसी पप्पू यादव को पप्पू सिंह के हाथ उससे ज़्यादा मतों से हरा दिया। फिर 2014 के चुनाव में भी रुपौली की जनता ने सबसे ज़्यादा वोट संतोष कुशवाहा को दिया, यानी उस चुनाव में पप्पू सिंह को हरा कर संतोष कुशवाहा को सांसद का ताज पहना दिया रुपौली की जनता ने। इस दौरान हालांकि 2009 में और 2019 में जो चुनाव हुए उस चुनाव में भी जीतने वाले प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट रुपौली विधानसभा ने ही दिया था, यानी आप यूं ये भी कह सकते हैं कि रुपौली की जनता ही यह संदेश पूरे लोकसभा क्षेत्र में दे देती है कि इस बार हमें सांसद कैसा चाहिए, इस बार चुनाव में किसे सांसद बनाया जाए, और रुपौली की बयार पूरे लोकसभा में फैल जाती है। और ऐसे में आज एक बार फिर रुपौली उसी दहलीज पर खड़ा है जिस दहलीज से वो हर चुनाव में इतिहास रचता है, उसी दहलीज पर खड़ा है। और हर संसदीय चुनाव में ऐसा देखा गया है कि पूर्णिया से एनडीए की जीत तभी हुई है जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में एनडीए की हार हो गई थी पूर्णिया में, उस चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे। और आपको यह भी याद होगा कि पूर्णिया में 1998 के चुनाव में एनडीए ने जीत हासिल की थी, वो जीत भी तब मिली थी जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और भाजपा के प्रत्याशी जयकृष्ण मंडल थे जो कुर्मी समाज से आते थे। लेकिन 2024 के चुनावी माहौल में एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा हैं तो जदयू से रुपौली के विधायक रही बीमा भारती राजद की प्रत्याशी हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जीतने के आसार सिर्फ दो प्रत्याशी के ही दिखाई दे रहे हैं, एक संतोष कुशवाहा तो दूसरे पप्पू यादव। हालांकि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को हराने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, एनडीए या इंडिया को वोट देने की बात करते हैं मंच से, लेकिन इन सब के बीच जिन लोगों में संतोष कुशवाहा के प्रति असंतोष का भाव था वे पप्पू यादव के पक्ष में देखे जा रहे थे, और जिन्हें पप्पू यादव का कार्यकाल रास नहीं आया वैसे लोग एनडीए के पक्ष में देखे जा रहे थे। लेकिन नामांकन के बाद पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साख में बट्टा जरूर लगा दिया है। आपको याद होगा 13 अप्रैल को न्यूज 18 के लाइव डिबेट कार्यक्रम भैया जी कहीं में एक लड़की के सवाल पर पप्पू यादव के कार्यकर्ता किस प्रकार अभद्र टिप्पणियां की थी, और बीच बचाव करने वाले एक मुखिया इरशाद पूर्णवी पर किस तरह थप्पड़ चला दिया था वो भी आपने देखा ही, और उस मुखिया ने पप्पू यादव के कार्यकर्ता के विरुद्ध थाने में आवेदन भी दिया था। दूसरी तरफ बीमा भारती की सभा में पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं का पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाना, लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा की सभा में पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाना, और ग्वासी गांव में एनडीए के प्रचार गाड़ी के पोस्टर को फाड़ देना, उसके बाद
फिर तेजस्वी यादव के रोड शो में जिस तरीके से पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए और फिर पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाकर उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया गया, जिसका FIR भी थाने में किया गया है, वो सारी घटनाएं कहीं ना कहीं पप्पू यादव की लोकप्रियता को कम जरूर कर दिया, जिसका लाभ आज सीधे तौर पर संतोष कुशवाहा की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस दौरान नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी माहौल में कुछ तब्दीलियां देखी जाने लगी थी। मोदी जी के आने के बाद धीरे धीरे जनता में मौजूदा सांसद के प्रति असंतोष की कमी दिखाई देने लगी थी। उसके बाद थोड़ी और कमी तब देखने को मिली जब नीतीश कुमार बनमनखी में चुनावी सभा को संबोधित किया और NDA गठबंधन के अन्य बड़े नेता भी NDA प्रत्याशी को जिताने के लिए गांवों का दौरा करने लगे। इन सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी पर जनता का विश्वास और नीतीश कुमार के प्रति जनता का भरोसा। कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा के प्रति जनता में जो असंतोष दिखाई दे रही है, मौजूदा वक्त में वो खत्म होती दिखाई दे रही है। भवानीपुर के मंच से मुख्यमंत्री ने अपने अंदाज में जनता को जिस प्रकार संबोधित किया और लोगों से संतोष कुशवाहा को जिताने और मुझ पर भरोसा जताने का अपील किया, वो कहीं ना कहीं रुपोली की जनता का मूड जरूर बदल दिया है। और यदि जिस प्रकार हर चुनाव में नीतीश कुमार की बातों पर, उनके अपील पर रुपोली की जनता मतदान करती रही है, वैसे ही यदि 2024 के चुनाव में भी जनता मुख्यमंत्री की बातों को समझ गई और नरेंद्र मोदी पर जनता का जिस तरीके से विश्वास झलक रहा है, वैसे में सांसद संतोष कुशवाहा इस बार भी चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं और पप्पू यादव के जीत के सपने भी टूट सकता है। लेकिन यदि नीतीश कुमार की बात जनता नहीं समझ पाई तो एक बार फिर पूर्णिया 2014 का चुनाव परिणाम दोहरा सकती है। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मौजूदा चुनाव में कार्यकर्ता तो तीनों प्रत्याशी के पास है, लेकिन मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। इसलिए भी NDA के प्रत्याशी की जीतने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में यदि रुपोली की जनता का मूड NDA की तरफ बन गया है तो कहीं ना कहीं पूर्णिया लोकसभा के सभी विधानसभाओं में वही मूड मतदान के दिन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए शुक्रवार की सुबह यानी 26 तारीख को सवेरे जग जाइए और जलपान से पहले अपने पसंद के प्रत्याशी को जाकर मतदान कर दीजिए। हाँ, नोटा बटन मत दबाइएगा, आपको जो प्रत्याशी जचता हो उन्हें ही अपना वोट दे दीजिएगा, लेकिन नोटा बटन मत दबाइएगा। वैसे मैं आपको चुनाव के दूसरे दिन चुनाव से और मतदान से जुड़ी हुई एक और वीडियो दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस चुनाव के दौरान मेरी पत्रकारिता में मुझे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। इसलिए यदि अभी तक द न्यूज़ 19 के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिए, ताकि मतदान के बाद जो भी वीडियो मैं रिलीज करूं वो वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।